IPL सीजन 11 में किस खिलाड़ी को कितनी रकम मिली, यह तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि किसी टीम के कोच को कितनी सैलरी मिली? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आइए आपको बताते हैं IPL सीजन 11 में किस कोच को कितनी सैलरी मिली। बता दें कि इस मामले में RCB के हेड कोच डेनियल वेटोरी IPL के सबसे महंगे कोच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नेहरा को IPL से अप में 4 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज मिलता। इतना ही नहीं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नेहरा का पैकेज टीम इंडिया के सपोर्टिंग कोचिंग स्टाफ से ज्यादा है। टीम इंडिया के हेड कोच रविवार शास्त्री की सैलरी 7 करोड़ रुपए सालाना है, जबकि सपोर्ट स्टाफ को 2 करोड़ रुपए सालाना दिए जाते हैं। RCB के ही हेड कोच डेनियल वेटोरी IPL के सबसे महंगे कोच हैं। वेटोरी और नेहरा दोनों को 4 करोड़ रुपए सैलरी मिलती है। वहीं दिल्ली डेयरडेविल्स के हेड कोच रिकी पोटिंग की सैलरी 3.7 करोड़ और चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग की सैलरी 3.2 करोड़ रुपए है। जबकि पंजाब की टीम से बतौर मेंटर जुड़े सहवाग को किंग्स 11 पंजाब की ओर से 3 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। राजस्थान रॉयल्स के कोच शेन वॉन की सैलरी 2.7 करोड़ है, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच जैक कालिस की सैलरी 2.25 करोड़ रुपए है। मुंबई इंडियंस के कोच महिला जयवर्धने की सैलरी भी 2.25 करोड़ रुपए है। सनराइजर्स हैदराबाद के बैटिंग कोच VVS लक्ष्मण, हेड कोच टॉम मूडी को 2 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाता है, जबकि मुंबई के बॉलिंग कोच लसित मलिंगा को 1.5 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज दिया जाता है।